फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिजाइन पैटर्न। इसे जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये 7 के मल्टीपल डिजाइन पैटर्न बनेगा, प्लस 4 फंदे आपको यहाँ एक्स्ट्रा लेने हैं और 2 फंदे साइड के एड स्टिच लेने हैं। तो ये टोटल हमने जो है ना 20 फंदे लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये 6 रो की डिजाइन है और डिजाइन पैटर्न राइट साइड से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये डिजाइन पैटर्न जो है ना, इसे देखिए, ये राइट साइड से स्टार्ट होगा। तो चलिए डिजाइन पैटर्न सीखते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 प्लाई का ऊन है और ये देखिए 9 नंबर की सिलाई है, ठीक ना। आप चाहें तो इसे मोटे ऊन में बना सकते हैं, तो थोड़ा सा ये सिलाई का नंबर जो है आप बढ़ा सकते हैं, 8 ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको डिजाइन पैटर्न बताते हैं। देखिए, राइट साइड रो 1 है, ठीक ना। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे। आप चाहें तो इसे बुन सकते हैं, ऑप्शनली है। तो देखिए, इसे सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट रो है, तो देखिए इस तरह, इस तरह हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये फर्स्ट रो सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड, अब ये सेकेंड रो रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड को भी उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए इस तरह, ऐसे जो है सेकेंड रो को रॉन्ग साइड को ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 2 रो कंप्लीट हो गया है। अब ये 3rd रो राइट साइड है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन के धागे को अपनी साइड करेंगे, 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4। अब देखिए, ये साइड का एड स्टिच है, 1, 2, 3, 4, 4 फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर उनके धागे को पीछे एक साइड ले जाएंगे। अब इस 3 फंदे में डिजाइन पैटर्न बनाएंगे, ठीक ना। तो देखिए, ये सेकेंड रो था, ये फर्स्ट रो था, ठीक। तो इस फर्स्ट रो में जो है, यहाँ से ऐसे होल से जो ये तीसरा फंदा, देखिए 1, ये 2, जो सेकेंड फंदा है ना, सॉरी, इसके इससे एक ऐसे लूप को लेंगे, ठीक। फिर 1 फंदा ऐसे बुन लेंगे, देखिए, ठीक ना। फिर इसके बाद सेम होल से दूसरा लूप लेंगे, सेकेंड लूप लेंगे यहाँ से, देखिए, फिर सेकेंड फंदा को बुनेंगे, फिर 3rd लूप उसी होल से लेंगे, लूप को बराबर रखिएगा और फिर 3rd फंदा बुनेंगे, ठीक ना। देखिए, ये डिजाइन पैटर्न है। फर्स्ट फंदा ये साइड का एड स्टिच है, फिर 1, 2, 3, 4 फंदा उल्टा, और फिर देखिए 1 लूप 1 फंदा, 1 लूप 1 फंदा, फिर 1 लूप 1 फंदा, 3 फंदे हमने बुने हैं, 3 लूप्स हैं, ठीक ना। अब यही पैटर्न देखिए, 4 और 3, 7 के मल्टीपल ये डिजाइन पैटर्न का है। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न करेंगे डिजाइन का, यही देखिए, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, उनके धागे को पीछे एक साइड ले जाएंगे। अब देखिए 1, 2, ये जो सेकेंड होल है ना, यहाँ से ऐसे 1 लूप लेंगे, फिर 1 फंदा बुनेंगे, सेकेंड लूप सेम होल से लेंगे और सेकेंड फंदा बुनेंगे, 3rd लूप उसी होल से फिर लेंगे और 3rd फंदा बुनेंगे, ठीक ना।
देखिए यहाँ ये लूप थोड़ा सा ऐसे छोटा हो गया, इसे बराबर रहना चाहिए, ठीक। फिर ये थर्ड फंदा बुनेंगे। अब देखिए लास्ट में ये फाइव फंदे हैं ना, तो फाइव फंदों को हम अब लास्ट के जो फाइव फंदे हैं ना, देखिए 1 2 3 4 और फाइव, तो फोर फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। तो देखिए 1 2 3 4, इसके बाद ये साइड का एड स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए थर्ड रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब आ गए हम फोर रो में। अब देखिए फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, उनके धागे को पीछे की साइड ले जाएंगे और ये देखिए 1 2 3 4, फोर फंदा सीधा बुनेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर उनके धागे को अपनी साइड ले जाएंगे। अब देखिए 1 फंदा ये उल्टा बुनेंगे, ठीक ना, और ये लूप को स्लिप करना है, ठीक ना, जो लूप हमने लिए थे वो स्लिप करना है, फंदे को बुनना है, लूप को स्लिप करना है, फंदे को बुनना है, लूप को स्लिप करेंगे, ठीक ना। देखिए तो 3 फंदे हमने बुने हैं और देखिए 1 2 3 लूप्स हमने स्लिप किए हैं। अब देखिए 4 फंदे हमारे हैं, इसे सीधा बुनना है, तो उनके धागे को पीछे की साइड ले जाएंगे, 1 2 3 4, फोर फंदा सीधा, फिर उनके धागे को अपनी साइड करेंगे, 1 फंदा बुनेंगे, 1 लूप स्लिप करेंगे, सेकंड फंदा बुनेंगे, सेकंड लूप को स्लिप करेंगे, थर्ड फंदा बुनेंगे, थर्ड लूप को स्लिप करेंगे। अब देखिए फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे पीछे की साइड और 4 फंदा सीधा बुनेंगे, ठीक ना। और ये साइड का एड स्टिच है तो इसे उल्टा बुनेंगे। ये रॉन्ग साइड रो 4 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए रो 5 में आ गए हैं हम। रो 5 को ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये जो 4 फंदे हमारे उल्टे थे ना, इन्हें सीधे बुनने हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 फंदा सीधा। अब जो हमारे ये लूप हैं, लूप को ऐसे सीधा करिएगा, ऐसे लूप और फंदा, देखिए 1 लूप है, 1 फंदा है, इन दोनों को एक साथ ऐसे बुनेंगे, ठीक ना। फिर इस लूप को आप सीधा ऐसे करिएगा, फिर देखिए 1 लूप 1 फंदा एक साथ ऐसे बुनेंगे, फिर इस लूप को सीधा करिएगा, 1 लूप 1 फंदा एक साथ बुनेंगे। तो देखिए इस तरह ये कंप्लीट हो गया। अब अगेन देखिए ये 4 फंदा 1 2 3 4, 4 फंदा सीधा, फिर देखिए ये 1 लूप 1 फंदा, ठीक ना, 2 का 1 1 लूप 1 फंदा, 2 का 1 1 लूप 1 फंदा, 2 का 1, ठीक। अब ये 4 फंदा सीधा 1 2 3 4, और ये साइड का एड स्टिच है, इसे सीधा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रो 5 कंप्लीट हो गया, ठीक ना। देखिए रो 5 कंप्लीट हो गया। अब रो 5 है, अब इसे उल्टा बुनते हुए, सॉरी रो 6 है, इसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे पूरी रो को। ये रो 6 है, इस तरह उल्टा बुनते हुए 6 रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये 6 रो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गया है। देखिए रॉन्ग साइड में ऐसे ही दिखेगा ये डिजाइन पैटर्न, और राइट साइड में देखिए ये डिजाइन
कितना प्यारा और खूबसूरत बनकर आया है। अब इसी वन से लेके सिक्स रो तक आपको रिपीट करना है, ठीक ना। देखिए जब आप वन से लेके सिक्स रो तक ऐसे रिपीट करते रहेंगे तो ये डिजाइन पैटर्न पूरी इस तरह बन करके आएगी। इसे आप बनाएं फ्रेंड्स, आपको डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।